कांग्रेस लीडर राहुल गांधी मंगलवार को बिहार के दौरे पर थे। तेजस्वी ने उनकी अगवानी की। तेजस्वी बिहार में मेजबान थे तो राहुल मेहमान बने। लंच के वक्त कुछ और लोग भी साथ हो गए। मसलन पाटलिपुत्र से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रही लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती, वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी और सीपीआईएमएल के दीपांकर भट्टाचार्य ने भी साथ में लंच किया। इसका एक वीडियो अब सामने आया है। वीडियो में चारों लोग आपस में बात करते दिखे हैं। बातचीत का मुद्दा भी सुनाई दे रहा है। लंच के मेन्यू की बातें करें तो चावल और अन्य चीजों के अलावा राहुल गांधी का प्रिय बिहारी मटन भी उसमें शामिल है। डाइनिंग टेबल पर बतकही में इंडिया ब्लॉक के दोनों नेता जीत के प्रति आश्वस्त दिखे हैं। उन्हें सरकार बनने की पूरी उम्मीद है। राहुल पूछते हैं कि बिहार में क्या होगा। तेजस्वी यादव जवाब देते हैं, हम तो पहले से ही कहते रहे हैं कि परिणाम चौंकाने वाले होंगे। तो बिहार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है? शुरू से मैं कहता रहा हूं चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा, लोग काम देखना चाहते हैं। मीसा भारती तो राहुल को यहां तक सुझाती हैं कि सबसे पहले सरकार को करना क्या है। वे कहती हैं सरकार बनते ही सबसे पहले अग्निवीर योजना को खत्म कीजिएगा। दीदी अग्निवीर पे जरूर बोलिएगा, अग्निवीर को जरूर खत्म करिएगा आपकी सरकार आते हैं। और दो चीजों पे आप लोग सब ध्यान दीजिए, एक बेरोजगारी पे कि लोगों को जॉब्स मिले और दूसरा महंगाई पे। देश की जनता मोदी जी को भगा रही है फटाफट फटाफट फटाफट। राहुल जवाब देते हैं सरकार बनते ही उस योजना का कागज फाड़ कर फेंक देंगे। ये भी अनुमान गूंजता है कि मोदी को इस बार 150 से अधिक सीटें नहीं मिलेंगी। मीसा तो ये भी कहती है कि अब तक उन्होंने कई चुनाव देखे, इस बार मोदी के खिलाफ युवाओं में भारी उबाल है। तेजस्वी ने 5 लाख नौकरियां दी है तो इसका व्यापक असर युवाओं पर पड़ा है। उनकी सभाओं में युवाओं की भीड़ उत्साहपूर्वक जुटी है। क्योंकि मैं भी चुनाव लड़ी हूँ, बट इस बार जो मूवमेंट है पब्लिक का वो बहुत अलग है। यूथ में बहुत काफी एग्रेसिव है वो लोग। इन्होंने 10 साल से वादे किए, 17 वर्षों से यहाँ पे नीतीश कुमार जी हैं। इतने बल्क में कभी वैकेंसियाँ नहीं निकली। आप लोग 2020 का चुनाव को अगर याद करें तो तेजस्वी ने जो वादा किया था, तो एक तरफ से जो 5 लाख सरकारी नौकरी मिला है, तो जो यूथ है वो उसमें बहुत ज़्यादा विश्वास और एक उमंग जो कहते हैं ना एक्साइटेड है बहुत ज़्यादा। उसको लगता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो सिर्फ हम ही पे फोकस होगा। खाने की मेज पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के अलावा वीआईपी के मुकेश सहनी, सीपीआईएमएल के दीपांकर भट्टाचार्य, मीसा भारती, आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव बैठे हैं। मीसा के मुताबिक मोदी के पास कोई विजन नहीं। तेजस्वी कहते हैं कि मोदी आरक्षण खत्म न करने की बात करते हैं, लेकिन बिहार में उनकी सरकार के वक्त आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई तो उसे आग्रह के बावजूद मोदी सरकार ने 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया। दीपांकर की आवाज़ नहीं सुनाई देती, लेकिन तेजस्वी और मीसा लगातार राहुल से बातें कर रहे हैं। वो मोदी सरकार की आलोचना से लेकर नई सरकार के एजेंडे तक पर बात करते हैं। खाने की बात तो होती है, डाइनिंग टेबल पर चारों की बातचीत में मछली और मटन का जिक्र आता है। राहुल गांधी कबूल करते हैं कि उन्होंने लालू यादव के घर 2 बार मटन खाया है, वाकई मटन टेस्टी है। राहुल का कहना है कि अब वो मटन खिलाएंगे। उन्होंने कहा कि हम बना नहीं सकते, ये काम हमारी बहन प्रियंका करेंगी, जल्दी हम तेजस्वी को मटन खिलाएंगे। मेरी बहन भी आपके लिए पकाना चाहती है, मैंने उसको कहा है। राहुल जी 2 बार मटन अब हमें खिलाना पड़ेगा। नाउ इट्स माय टर्न, माय सिस्टर्स एंड माय टर्न टू इनवाइट देम। फिर चर्चा होती है कि नरेंद्र मोदी को सिर्फ मछली के कांटे और मटन दिखते हैं, वो काम की बात नहीं करते। लगातार मोदी झूठ बोलते हैं। मीसा भारती अपने भाई तेजस्वी और राहुल गांधी की बातचीत में लगातार शामिल रहती हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।